एवरीवन, वेलकम टू पीयू अकेडमी। मेरा नाम है चारू अग्रवाल और आज हम भाषा विज्ञान का लेक्चर 9 देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। आज का हमारा टॉपिक है भाषा विज्ञान की प्रकृति, ठीक है। और इससे पहले के जो लेक्चर्स हैं वो आ चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेक कर लीजिए। तो देखिए, अगर हम प्रकृति की बात करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि भाषा विज्ञान कला है अथवा विज्ञान है, ठीक है। किसी भी विषय की जब हम प्रकृति की बात करते हैं तो वहाँ पे सेम क्वेश्चन आता है कि वो कला है या विज्ञान है, ठीक है। इस तरीके का आपके पास एग्जाम में भी एज इट इज क्वेश्चन आता है कि भाषा विज्ञान कला है अथवा विज्ञान, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मिलेगा आज की वीडियो में, ठीक है। तो यह प्रश्न अनेक विद्वानों ने उठाया है इसके नाम से, तो यही स्पष्ट होता है कि भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषाओं का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। साथ ही कुछ विद्वानों ने इसे भाषा शास्त्र या तुलनात्मक व्याकरण भी कहा है। देखिए, सीधे सीधे शब्दों में अगर हम देखें तो भाषा विज्ञान क्या है, जिसमें भाषाओं का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। तो जहाँ पर वैज्ञानिक अध्ययन होता है तो जाहिर सी बात है कि वो विज्ञान है, ठीक है। तो हम इसे डायरेक्ट कह सकते हैं कि विज्ञान है, कला तो ये है ही नहीं, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि कुछ विद्वानों ने इसे भाषा विज्ञान कहने की जगह भाषा शास्त्र कहना उचित समझा, तुलनात्मक व्याकरण कहना उचित समझा। अब भाई यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि उन्होंने क्या दिमाग लगाया, क्या सोचा, उनकी क्या दृष्टि थी कि उन्होंने भाषा शास्त्र तो तुलनात्मक व्याकरण नाम दे दिया भाषा विज्ञान को। अब अगर ये नाम दिए गए तो इस हिसाब से तो ये विज्ञान नहीं है, इस हिसाब से तो ये कला के क्षेत्र में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इस चीज़ को जानना है। अतः इस नामकरण के आधार पर तो इसे विज्ञान नहीं स्वीकार किया जा सकता, क्योंकि विज्ञान और शास्त्र प्रायः नहीं है, यानी एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। विज्ञान एक प्रकार का विशिष्ट ज्ञान है, जबकि शास्त्र में अनुमोदन तथा शासन का विधान होता है। अनुमोदन यानी कि उसे याद करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, और शासन इसके लिए कुछ नियम भी होते हैं, ठीक है। जबकि विज्ञान में क्या होता है, एक विशिष्ट ज्ञान होता है एक प्रकार का, यानी कि वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, ठीक है। भाषा विज्ञान के इस प्रश्न को सुलझाते समय हमें विज्ञान शब्द पर विचार करना होगा, ठीक है। किस पर विचार करना होगा हमें, विज्ञान शब्द पर। विज्ञान का अर्थ क्या होता है, विशेष ज्ञान। मानते हुए प्राचीन काल में ब्रह्म विद्या को भी विज्ञान कहा जाता था। किसे, ब्रह्म विद्या को क्या कहा जाता था, विज्ञान कहा जाता था। इस प्रकार विज्ञान से तात्पर्य है कि किसी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान से, ठीक है। यानी कि विज्ञान से क्या तात्पर्य है कि किसी विषय का जो क्रमबद्ध ज्ञान होता है वो क्या होता है, विज्ञान होता है। अर्थात पूर्ण क्रमबद्ध तथ्यों और सिद्धांतों को ही विज्ञान कहा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ डेफिनेशन दी गई है। द साइंस इज अ टर्म यूज्ड टू डिनोट एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज इंक्लूडिंग बोथ फैक्ट एंड थ्योरी। यानी विज्ञान ज्ञान का वह रूप है जो ज्ञान के संगठित निकाय को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसमें तथ्य और सिद्धांत दोनों समन्वित होते हैं। किसने कहा है, T.S. स्मिथ ने, ठीक है। नेक्स्ट है द क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स, द रीऑर्गनाइजेशन ऑफ देयर सीक्वेंस एंड रिलेटिव सिग्निफिकेशन फंक्शंस ऑफ साइंस। यानी तथ्यों का वर्गीकरण उनके क्रम तथा उसके सापेक्ष महत्व की मान्यता ही विज्ञान का कार्य है। ये किसने कहा, पियर्सन ने, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट है कला का आधार वास्तविक हो यह आवश्यक नहीं है। यदि उसका आधार वास्तविक भी होता है तो उसका मूल्य वास्तविकता से नहीं अपितु मन के भावों और अंतर्वेगों को जागृत करने की क्षमता से आंकलित किया जाएगा। ये किसने कहा है, डॉक्टर अश्वघोष ने, ठीक है। तो ये क्या है, कला का अगर आधार वास्तविक भी है, ठीक है, तो ये आवश्यक नहीं है। यदि उसका आधार वास्तविक भी होता है तो उसका मूल्य क्या है, वास्तविकता से नहीं है अपितु मन के भावों और अंतर्वेगों को जागृत करने की क्षमता से आंकलित किया जाता है। यानी कि कला क्या है, जिसमें मन के भाव अंतर्वेग क्या है जागृत होते की क्षमता रखते हैं, वो क्या होता है, कला होती, ठीक है। आगे देखिए, संक्षेप में कहा जा सकता है कि शाश्वत मूल्य वाला किंतु रस बोध से रहित ज्ञान विज्ञान के कोटि में आता है, और परिवर्तनशील मूल्य वाला एवं रस बोध से युक्त ज्ञान कला की कोटि में आता है। अब आपको पता चला कौन सा ज्ञान विज्ञान की कोटि में आता है और कौन सा ज्ञान कला की कोटि में आता है। तो रस बोध से रहित
ज्ञान किस में आता है, विज्ञान की कोटि में आता है, और परिवर्तनशील मूल्य वाला एवं गसबोध से युक्त ज्ञान कला की कोटि में आता है। यानी कि वो ज्ञान जिसमें गसबोध है वो कला की कोटि में आएगा, और जिसमें गसबोध नहीं है वो विज्ञान की कोटि में आएगा। इस दृष्टि से विचार करने पर ज्ञात होता है कि भाषा विज्ञान कला की कोटि में कम और विज्ञान की कोटि में अधिक है। भाषा विज्ञान का संबंध भाषा की ध्वनियों की विवेचना, विश्लेषण, पद रचना आदि से है। गसबोध इसका विषय बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब आप भाषा विज्ञान को पढ़ते हैं तो भाई आपने अच्छा नवा लेक्चर आप ले रहे हैं, आपने 8 लेक्चर लिए, क्या आपको यहाँ पे फैरी टेल जैसी कोई कहानी लगी? क्या आपको इसे पढ़ते हुए मज़ा आ रहा है? आप क्या कर रहे हो, इस पर विचार कर रहे हो, आप इसे पढ़ गए हो, आप इसे समझ गए हो, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे आप क्या बुद्धि लग रही है, ठीक है, समझ गए हो, आप इसमें विश्लेषण कर गए हो, पद रचना कर रहे हो, आप यहाँ पे कहानी नहीं सुन रहे हो जो आपको बोध होगा, अगर बोध होगा यहाँ पे आपको खुशी मिलेगी आपको कुछ, ठीक है। साहित्यिक अनुभूति, कल्पना की उड़ान, मनोरंजन आदि भाषा विज्ञान के लक्षण न होके शुद्ध तात्विक निष्कर्ष पर पहुँचना इसका लक्ष्य है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने कोई फैगी टेल वाली कल्पना तो नहीं करी, कोई मनोरंजन तो आपका नहीं हुआ, तो यहाँ पे ये चीज़ें हमें नहीं देखने के लिए, हम क्या करते हैं किसी निष्कर्ष पे निकलते हैं। हम क्या कर रहे हैं, इतनी देर से कोई ना कोई क्वेश्चन हम उठा रहे हो और उसका आंसर हम देख रहे हैं, उसे समझ गए हैं, तो हमारा क्या मतलब है, यहाँ पे हम लास्ट में निष्कर्ष पे एक निकलते हैं, कंक्लूजन हम आपको दे के जाते हैं, ठीक है। तो यही क्या है, भाषा विज्ञान का काम है। अतः भाषा विज्ञान को विज्ञान की कोटि में रखा जा सकता है। आगे देखिए, विज्ञान में निम्नलिखित 3 पद प्रदर्शक तत्व होते हैं। यह 3 तत्व भाषा विज्ञान में पूर्ण रूप से मिलते हैं। कौन कौन से? सर्वगुण विवेचन, सामंजस्य और लागव। उपयुक्त गुणों के कारण भाषा विज्ञान को विज्ञान की कोटि में ही रखा जाता है। तो ये 3 गुण हैं जिनकी वजह से विज्ञान को क्या है, भाषा विज्ञान को विज्ञान की कोटि में ही रखा जाता है। यानी ये कहा जाता है भाषा विज्ञान जो है वो विज्ञान ही है, ठीक है। तो भाषा विज्ञान के अध्ययन की प्रक्रिया भौतिक विज्ञान जैसे विज्ञान से जुड़ी है। भाषा विज्ञान की प्रमुख शाखा ध्वनि विज्ञान का अध्ययन विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक पद्धति से किया जाता है, तथा उसमें प्राणी विज्ञान और भौतिक विज्ञान की पद्धतियों का पूर्ण रूप से सहयोग दिया जाता है, अतः इसे विज्ञान माना जाता है। अब इसका संबंध देखिए किससे है, भौतिक विज्ञान से। आप कहेंगे भौतिक विज्ञान से क्यों है, भौतिक विज्ञान से इसलिए है क्योंकि भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ते हैं जब हम कोई साउंड निकालते हैं तो वो ध्वनि जो है क्या है, तरंगों में जाती है और उसके बाद वो हमारे कानों तक पहुँचती है, और कानों तक पहुँचती है वो कितनी रेंज में पहुँचती है, कितनी तेज हम चीख सकते हैं, मतलब इन चीज़ों के बारे में यहाँ पे हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये भौतिक विज्ञान से कहीं ना कहीं संबंधित हो गया, ठीक है। ध्वनि विज्ञान का जो हम अध्ययन करते हैं तो वो किस तरीके से किया जाता है, वैज्ञानिक पद्धति से किया जाता है। अभी हमने ये पढ़ा है, उसके बाद हम अर्थ विज्ञान, रूप विज्ञान, वाक्य विज्ञान और ध्वनि विज्ञान, ये सब हमें पढ़ना है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वैज्ञानिक पद्धति के तरीके से ही जो है वो ध्वनि विज्ञान को पढ़ा जाता है, ठीक है। उसमें प्राणी विज्ञान और भौतिक विज्ञान जो है वो वाली पद्धतियाँ भी क्या करती हैं, हमें उनका भी सहयोग मिलता है, ठीक है। तो इसे क्या कहना है कि इसे विज्ञान ही माना जाना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, प्राकृतिक विज्ञानों के अतिरिक्त समाज विज्ञान तथा मानविकी के जिन विषयों का भाषा विज्ञान से संबंध है वह भी विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। केवल ललित कलाओं में संगीत और साहित्य ही भाषा विज्ञान से समृद्ध कला के विषय हैं, जिन्हें आधारभूत तत्व के रूप में भी लिया जा सकता है, अतः उनके आधार पर भाषा विज्ञान को कला मानना उचित प्रतीत नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि प्राकृतिक विज्ञानों के अतिरिक्त, यानी प्राकृतिक विज्ञान है ये तो, ठीक है, इनके अतिरिक्त समाज विज्ञान और मानविकी जैसे जो विषय हैं उनका भी क्या है, भाषा विज्ञान से संबंध है, ठीक है। और ये भी किसके अंतर्गत आते हैं, ये विज्ञान के अंतर्गत रखे गए हैं। तो जाहिर सी बात है भाषा विज्ञान विज्ञान के अंतर्गत आ गया। अब वो कहते हैं कि केवल ललित कला, एक कलाओं में जो संगीत होता है या साहित्य है, ठीक है, वो भाषा विज्ञान से समृद्ध कला का विषय है, यानी कि भाषा विज्ञान में भी और कला का विषय भी है, जिन्हें आधारभूत तत्व के रूप में लिया जा सकता है। तो इसके आधार पर, सिर्फ केवल इसी आधार पर, हम अकेले आधार पर भाषा विज्ञान को कला का रूप में स्वीकार नहीं कर सकते, कला हम नहीं मान सकते, ठीक है। तो अंत में भोलानाथ तिवारी ने ये घोषणा की थी कि भाषा विज्ञान क्या है, विज्ञान की कोटि में आता है, यानी विज्ञान है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि घोषणा किसने की थी, भोलानाथ तिवारी ने की थी, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये आपके एग्जाम में, रिटर्न में आप देख के आएंगे तो ठीक है, अच्छा
ये आपके रिजल्ट को करेगा। लेकिन इस चीज को याद रखने का ये बेनिफिट है कि जब आप इसका एग्जाम दे रहे होंगे, कभी भी आप एग्जाम देंगे जिसमें कि आपका भाषा विज्ञान आने वाला है, तो ये वाली लाइन आपकी काफी हेल्प करेगी। क्योंकि आपको पता होगा कि भाषा विज्ञान को विज्ञान की कोटि में किसने रखा है, भोलानाथ तिवारी ने रखा है। तो इसी के साथ आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल रही हो, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।